इन फ्यूचर अगर ऐसा ना हो कि अगर वहाँ पे आप जाते हो अच्छे खासा फिजिकल तैयार करके जाते हो, खूब रनिंग करके जाते हो, पता चलता है कि आप वहाँ पे किसी कागज की वजह से बाहर हो जाते हो, तो इस वीडियो में यही बात करेंगे भैया क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं और किन किन बातों पर फोकस करना है। थोड़ी सी भी बातें करेंगे कि रनिंग में आपको क्या किन चीज़ों पर फोकस करना है कि जिससे कि आपकी रनिंग प्रॉपरली 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स में हो सके, ठीक है। तो फाइनली अभी बात करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स को, तो डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दूं आपको अपना फिजिकल का एडमिट कार्ड लेके जाना है, जो आप फिजिकल के लिए जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका जो शेड्यूल रहेगा, जिस डे पे शेड्यूल रहेगा वो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, और प्लस आपके पास एक कोई आईडी होनी चाहिए, ओरिजिनल आईडी, ठीक है। और अगर देखो एक बात और जान लो, अगर किसी के आईडी में डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे डेट ऑफ बर्थ उनका मैच नहीं करता या फिर कोई भी कंसर्न वगैरह कुछ भी होता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जा सकते हो, ठीक है, और 4 फोटो रख लीजिएगा, करीब करीब इतनी ही चीज़ें लगती हैं। बाकी अगर जो लोग बोलते हैं कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएं, निवास लेके जाएं, जात या ये सब अभी कुछ नहीं लेकर जाना, ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी मेडिकल के टाइम पे काम आता है। अभी आपको कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना है, केवल आपको फिजिकल का एडमिट कार्ड लेके जाना है, मे बी हो सकता है रिटर्न का भी एडमिट कार्ड वहाँ पे देखे, पर ये कोई संभावना इसकी नहीं है, तो आप लेके जा भी सकते हो रिटर्न वाला भी एडमिट कार्ड, जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया था उसका भी एडमिट कार्ड लेके जा सकते हो, और जो आपका फिजिकल का है, फिजिकल का एडमिट कार्ड तो कंपलसरी ले ही जाना है, क्योंकि उसके बिहाफ पे ही आपको उसमें एंट्री मिलेगी, अदरवाइज उसमें एंट्री भी नहीं मिलेगी आपको। और थर्ड थिंग इज आपको क्या करना है, एक आईडी प्रूफ ओरिजिनल लेके जानी है, फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनल लेके जानी, इन 3 चीज़ों को लेकर जाना है, ठीक है। और प्रॉपरली करना क्या है, जिस भी टाइम आपकी रिपोर्टिंग टाइम रहेगी ना, आप कोशिश करना कि उससे आधा 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाएं। अब पिछले बार जीडी 2018 में क्या हुआ था कि जो रिपोर्टिंग टाइम था वो था 5:30 बजे, तो बच्चे 5 बजे 4:30 बजे वहाँ पर पहुँचना शुरू कर दिए थे, तो इतना मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना फिजिकल के टाइम, और प्रयास ये करो कि डेली दौड़ते रहो, ठीक है। कुछ बच्चे अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो उनका दौड़ का जो स्टेटस होता है अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, तो आप भी शेयर करो वहाँ पे, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ पे आके शेयर करो, आपको उस प्रॉब्लम का प्रॉपर रिप्लाई भी मिलेगा। और हाँ, एक बात और, टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको फिजिकल है तो प्लीज़ यू कैन ज्वाइन, और आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे अपना प्रॉपरली कोई कंसर्न वगैरह क्वेश्चन वगैरह भी पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, और रनिंग करो, अच्छे से करो, बहुत सारे ऐप्स आते हैं, एक एडिडास रनिंग करके एक ऐप है, वो अच्छा खासा काउंटिंग बताता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट बताता है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो और अपनी रनिंग भी उसके बेसिस पे कर सकते हो। बातें थी, इतनी बातों को क्लियर रखना, और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। बस इतनी बातें थी, और भी मन में आपके कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो आपके लिए बना दूंगा, तो डॉक्यूमेंट्स में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आपके लिए। हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर EWS, भाई EWS हमने जो उस टाइम लगाया था जब फॉर्म भर रहे थे 2021 में GD का, उस टाइम हमने जो EWS लगाया था, तो अभी के लिए क्या हो गया, वो 1 साल से ऊपर हो रहा है, मतलब 1 साल वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अप्रैल में बनता है, तो अप्रैल से अप्रैल पार होने वाला है, तो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सा नया बनवाना पड़ेगा या फिर पुराना वाला लगेगा, तो मैं यही बात क्लियर करना चाहूंगा, उनको वही पुराना ही देना पड़ेगा जो आपने उस टाइम लगाया था EWS, भले से वो 1 साल से ऊपर हो गया, पर वही मान्य करेंगे जो आपने उस टाइम लगाया था, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा सेंट्रल की ही लगती है, इस बात का ध्यान रखना, स्टेट का नहीं चलता है SSC में, क्योंकि सेंट्रल का ये सेंट्रल मतलब सेंट्रल वैकेंसी है, सेंट्रल के द्वारा इसकी रिक्रूटमेंट होती है, तो सेंट्रल का ही कास्ट लगेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई है, EWS वाला भी कंसर्न क्लियर हो गया होगा, ठीक है। EWS आपको वही चलेगा जो आपने पुराना 2019 में लगाया था, ठीक है भाई। तो चलो अभी के लिए चलता हूँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना मत भूलना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि कोई क्वेश्चन डाउट वगैरह होता है तो आप वहीं पे आके पूछो, फिजिकल का भी मैंने अलग से ग्रुप बना दिया है, जो बच्चे रनिंग कर रहे हैं जिनको रनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है आप वहाँ पे आके शेयर कर सकते हो, बच्चों से पूछ भी सकते हो, सर्टिफिकेट को लेकर, डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, जो भी एग्जाम से रिलेटेड, मेडिकल वगैरह जो भी प्रॉब्लम हो आप वहाँ पे आके विदाउट हेजिटेशन पूछ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। कट ऑफ की वीडियो मैंने बनाई दिया है, आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपके कट ऑफ से +5 नंबर में है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द फाइनल, ठीक है। अगर आपके पास +5 में है कट ऑफ से, जो भी आपकी स्टेट की फिजिकल की कट ऑफ है, अगर यू कैन, अगर आपके +5 नंबर है तो यू कैन डेफिनेटली आप बिल्कुल जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है भाई। तो अभी के लिए चलता हूँ, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।